अगली खबर में हम बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां नगर पालिका निगम बुरहानपुर के वार्ड नंबर 5 प्रतापपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी गीता सुभाष चौधरी के नामांकन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपत्ति लेकर एक शिकायत कलेक्टर को सौंपी गई है। शिकायत को सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में स्क्रूटनी हेतु रखा गया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के उम्मीदवारों के दावे आपत्तियों की सुनवाई हुई, जिस पर निर्दलीय और पार्टियों के उम्मीदवार अधिकारियों के समक्ष पहुंचे और उन्होंने अपने दावे आपत्ति की जांच में सहयोग किया। इसी दौरान नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 5 प्रतापपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी गीता सुभाष चौधरी के द्वारा जो पार्षद पद के लिए नामांकन भरा गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज लधवे द्वारा आपत्ति ली गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा है कि गीता सुभाष चौधरी द्वारा पिछड़ा वर्ग से संबंधित नाम निर्देशन पत्र के संबंध में जो जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया है, वह पूर्ण रूप से फर्जी आधार का बनाकर पेश किया गया है। इस संबंध में हमने कलेक्टर प्रवीण सिंह से शिकायत की है। इधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख रही है, इस कारण बौखला गई है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। विराट 24 के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। हमने आज वार्ड नंबर 5 में गीता सुभाष चौधरी जी ने एक जाति प्रमाण पत्र जारी यहाँ से करवा के अपना आवेदन दिया है, और हमको लगता है, हमको कंफर्म भी है कि वो महाराष्ट्र की रहने वाली है और महाराष्ट्र के जाति प्रमाण पत्र यहाँ अलाउ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से बुरहानपुर में जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है और उनके भाई का निवास स्थान कहीं मध्य प्रदेश बताकर उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी किया है और हम लोगों ने उनकी शिकायत की है। शिकायत को कलेक्टर साहब ने स्वीकार कर लिया है। ये हार को देखकर ये बौखलाहट है भाजपाइयों की, सरकार भाजपा के, अधिकारी भाजपा के, तो मतलब ये तो आरोप लगा रहे हैं स्थानीय प्रशासन पर कि जिन्होंने जाति प्रमाण बनाया है। ये हार के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, उनको हार आँखों के सामने दिख रही है। और भाजपाइयों का ये शुरू से रहा है कि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करना, तो ये तो इनको चुनाव के दंगल में मालूम पड़ जाएगा कि इनकी आपत्ति कितनी सच है और कितनी झूठ है। देखिए, स्क्रूटनी के समय पर किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक जो है दूसरे अभ्यर्थी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उस आपत्ति का विधिवत निराकरण जो है कंसर्न एआरओ के द्वारा किया जाता है। क्योंकि यहाँ आपत्ति प्राप्त हुई है और आपत्ति प्राप्त होने पर कंसर्न एआरओ के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। रही बात किसी के दस्तावेज को जांच करने की, तो दस्तावेज को जांच करने का अभी समय नहीं होता है। यदि किसी को लगता है कि उसका जाति प्रमाण पत्र गलत है या जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से बना लिया है, तो ये एक इलेक्शन पिटीशन का विषय है, ये एक एसडीएम ऑफिस की जाँच का विषय है। इस समय पर इस आपत्ति पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। आपत्ति के निराकरण के लिए मैं कंसर्न एआरओ को भेज रहा हूँ और उसके बाद उसका विधिवत आयोग के निर्देश के अनुसार निराकरण किया जाएगा।